हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन एंड आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में किशन यादव हैं जो कि यूक्रेन जा रहे हैं खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सो किशन, आप कहाँ से हैं? जी मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं, तो आपको एफिनिटी के बारे में कैसे पता लगा? जी मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, मुझे एफिनिटी के बारे में वहाँ से पता चला। ओके, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टिंग से लेकर अब तक का कैसा रहा है? जी मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था। जैसे ही मैं मुझे सेमिनार में गया, मुझे पता चला इन्फॉर्मेशन उन्होंने एसएससी दी थी, कि बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने पूरे डिटेल्स के बारे में बताया, हर यूनिवर्सिटी के बारे में, अब्रॉड में जितने भी कंट्रीज में आप जा सकते हो एमबीबीएस की स्टडी के लिए, उनमें हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया, उसका बजट जितना हो सकता है सारी इन्फॉर्मेशन दी, वहाँ पे रहने का कैसा होता है सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताया, बाद में फॉलो अप भी किया उन लोगों ने। तो आज आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ये आपको खुद से आपने कहीं पे पहले से पढ़ा हुआ था, ये एफिनिटी में आके पता लगा? जी पहले मैंने थोड़ा डिटेल किया था, मुझे खार्किव के बारे में पता चला, बाद में एफिनिटी के थ्रू मैंने उन्होंने पूरा मुझे कंफर्म कराया कि खार्किव भी अच्छी यूनिवर्सिटी यूक्रेन की, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे बेटर लाइफ स्टाइल है, वहाँ पे बेटर स्टडीज है और भी उस कंट्री के हिसाब से। तो किशन, आप मुझे बताएंगे आपका नीट का स्कोर कितना था? जी मेरा मार्क्स 533 था। 533 किशन जी का नीट का स्कोर था। तो किशन, आप कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट से, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि 120-130 वाले ही अब्रॉड जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, कि इंडिया में उनको एडमिशन नहीं मिल पाता, तो आप कुछ थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए? जी ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ जिन्हें कम मार्क्स आए वही अब्रॉड जा सकते हैं, मेरे भी अच्छे मार्क्स आए थे, मैंने भी इंडिया में कोशिश की थी, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में मिल रहे थे और प्राइवेट कॉलेजेस से तो बेटर ही है कि आप अब्रॉड ही देखें, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे फैसिलिटीज़ हैं इंडिया के हिसाब से, ज़्यादा उनका बजट भी प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत कम है, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस भी बेटर मिलेगा आपको, न्यू एनवायरमेंट मिलेगा आपको, नई नई चीज़ें देखने मिलेगी, न्यू टेक्नोलॉजीज भी आप देख सकते हैं वहाँ पे ऐसा। तो अभी क्या है, जैसे आपके जो इनके 533 मार्क्स आए हैं और काफी स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ 120, 130 या 150, 200 वाले, तो ऐसा है कि आपने इंडिया में ट्राई किया था अपने एडमिशन के लिए? जी मैं इंडिया में भी ट्राई किया था बट मेरा हो नहीं पा रहा था, बस प्राइवेट में ही हो रहा था। तो अभी आपके लिए इंडिया में बेटर रहेगा या फिर अब्रॉड में रहेगा अकॉर्डिंग टू यू? मैंने तो सर्च बहुत ही किया था, जब मैंने दोनों इंडिया एंड अब्रॉड दोनों की कंपैरिजन की थी, तो उसके हिसाब से मुझे अब्रॉड ही बेटर लग रहा था इंडिया के हिसाब से। ओके, आपको अब्रॉड, तो आज आप जा रहे हैं, ये आपका इनविटेशन लेटर है, आज किशन की फ्लाइट है, ये खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैं तो रिकमेंड करूंगा आप भी अब्रॉड ही देखिए, अगर आप ऐसे आपका ज्यादा मार्क्स है फिर भी आप अब्रॉड चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही लेना है, बाहर भी बहुत अच्छी चीजें हैं।